नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में। भाई आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2022 के 13th मैच को। भाई चट्टोग्राम चैलेंजर्स और कोमला विक्टोरियंस आमने सामने होने वाली हैं मंडे को दोपहर 12 बजे से। भाई लोग अगर हम अभी तक चट्टोग्राम चैलेंजर्स और विक्टोरियंस के सफर की बात करें तो चैलेंजर्स ने 5 मैचेस खेले हुए हैं, 3 मैचेस जीते हैं, पॉइंट्स हैं इनके 6 और नेट रन रेट है +0.497 का, जहां पे पहली पोजीशन पे ये बैठे हुए हैं। तो वहीं दूसरे ही नंबर पर है कोमला विक्टोरियंस, मात्र 2 मैचेस इन्होंने खेले और दोनों ही अपने नाम करे हैं। पॉइंट्स हैं इनके 4 और नेट रन रेट है +1.820 का, जो कि सभी टीम्स में सबसे ज्यादा है। तो हाल फिलहाल तो भैया कोमला विक्टोरियंस का ही बोलबाला रहता नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं पिच रिपोर्ट पर और देखते हैं कि आखिर दोनों ही टीम्स का क्या मिजाज रहा है। जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में ये मैच होने जा रहा है। 4 मैचेस ऑलरेडी यहां पर हो चुके हैं। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 2 बार जीती है और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम भी कोइंसिडेंटली 2 बार जीत चुकी है। हाईएस्ट स्कोर रहा है चट्टोग्राम का 202 रन, तो वहीं लोएस्ट स्कोर रहा है टाइगर्स का 124 रन। 4 मैचेस में 47 विकेट्स चटकाए जा चुके हैं दोस्तों। जहां अगर हम बात करें चैलेंजर्स की, तो उन्होंने यहां पर 10 विकेट निकाले हैं, 2 मैचेस ऑलरेडी इस ट्रैक पर खेल चुके हैं। हालांकि कोमला विक्टोरियंस का इस ट्रैक पर पहला मैच होगा और देखना दिलचस्प होगा कि क्या चैलेंजर्स अपने एक्सपीरियंस का फायदा यहां पर उठा पाते हैं अगेंस्ट कोमला विक्टोरियंस, या फिर जीत की राह पर चल रही कोमला हराएगी चट्टोग्राम चैलेंजर्स को और पहुंचेगी सीधा पहले नंबर पे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पोटेंशियल प्लेयर्स की लिस्ट पर नजर मार लेते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ भाई एक जरूरी सूचना ये कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा भाई और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको मिलती रहे वर्ल्ड वाइड सभी मैचेस की अप टू डेट डिटेल। चलिए बढ़ते हैं चट्टोग्राम चैलेंजर्स की ओर। दोस्तों अगर यहां पर इनकी टीम पर नजर डालें तो विल जैक्स और अफीफ हुसैन 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जो टॉप ऑर्डर में शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। विल जैक्स के नाम आ चुके हैं, 5 मैचेस में 154 रन, इन्होंने 165 के स्ट्राइक रेट से अच्छी बल्लेबाजी करी है टॉप ऑर्डर में, प्लस इनका साथ दिया है अफीफ हुसैन ने, जो कि 5 मैचेस में 115 रन बना चुके हैं, 119 का इनका स्ट्राइक रेट चलता दिख रहा है। रही बात दोस्तों मिडिल ऑर्डर की, तो यहां पर बेनी हॉवेल आपकी लिस्ट में डेफिनेटली होने चाहिए। 5 मैचेस में 157 रन इन्होंने बनाए हैं 186 के स्ट्राइक रेट से, और ठीक इनके नीचे आते हैं नईम इस्लाम, जिन्होंने 5 मैचेस में बनाए हैं 63 रन 121 के स्ट्राइक रेट से। तो दोस्तों ये 3-4 ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि आपकी लिस्ट में डेफिनेटली होने चाहिए। प्लस अगर हम इनके लाइनअप पर दोस्तों नजर मारें तो यहां पर सबीर रहमान और मेहदी हसन अवेलेबल हैं, जो कि इस टीम के बैटिंग लाइनअप में डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। अब रही बात बॉलर्स की, तो भाई यहां पर नजूम अहमद ने शानदार गेंदबाजी करी है, 5 मैचेस में 5.1 की इकोनॉमी के साथ 7 विकेट चटका चुके हैं, कंसिस्टेंटली अपोजिशन पर दबाव डालते दिखे हैं। मेहदी हसन की जहां तक दोस्तों बात है, तो 1 मैच में इन्होंने 4 विकेट हॉल पर कब्जा किया था, टोटल 9 विकेट चटका चुके हैं, 7.64 की इकोनॉमी इनकी रहती है। अब इन 2 गेंदबाजों के अलावा तीसरे गेंदबाज पर हम अगर फोकस करें तो वो होंगे शोरिफुल इस्लाम। भाई 7 विकेट तो इनके खाते में भी आए हैं, लेकिन थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए हैं, 9.05 की इकोनॉमी चल रही है इनकी हाल फिलहाल। हालांकि अगर टीम में देखें तो मृत्युंजय चौधरी और रिजौर रहमान राजा, ये 2 गेंदबाज और मौजूद हैं जो कि टीम में वेरिएशन प्रोवाइड करते हैं और अपोजिशन पर दबाव डाल सकते हैं। तो ऐसे में भैया ये जो चट्टोग्राम चैलेंजर्स है, ये कोमला विक्टोरियंस की जो विनिंग स्ट्रीक है इसको तोड़ने के प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं। चलिए अब नजर डाल लेते हैं विक्टोरियंस की पोटेंशियल प्लेयर्स पर और देखते हैं कि आखिर क्या ये इस मैच पर भी जीत दर्ज करेंगे। भाई सबसे पहले तो दोस्तों कैमरून डेलपोर्ट को देख लेते हैं, टॉप ऑर्डर में ये थोड़ा सा वीक लिंक नजर आते हैं, जिन्होंने 2 मैचेस खेले हैं, मात्र 35 रन बनाए हैं 109 के स्ट्राइक रेट से। उम्मीद होगी कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में चैलेंजर्स के खिलाफ इनकी पारी मजबूत रहे और एक अच्छी शुरुआत दें। साथ ही साथ अगर देखें तो करीम जनत ने 2 मैचेस में 47 रन बनाए हैं 162 के स्ट्राइक रेट से, विच इज डिसेंट। रही बात महमूदुल हसन जॉय की, तो दोस्तों बरिशल के अगेंस्ट इन्होंने शानदार 48 रनों की पारी खेली थी 137 के स्ट्राइक रेट से। तो ये 3 बल्लेबाज
कोमिला विक्टोरियंस के लिए जीत का रास्ता खोल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम देम फाफ डुप्लेसी भाई टीम में मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उनका बल्ला शांत रहा है, जो कि एक बड़ा कंसर्न नजर आता है। अब रही बात बॉलिंग अटैक की, तो नहीदुल इस्लाम 2 मैचेस में 5 विकेट चटका चुके हैं, 3.12 की इकोनॉमी मेंटेन करते चल रहे हैं। और शोहिदुल इस्लाम की जहां तक बात है, तो 4 विकेट इनके खाते में आए हैं 6 की इकोनॉमी के साथ। तो दोस्तों, इन दो गेंदबाजों के नाम तो आप डेफिनेटली ध्यान में रखिए। रही बात इनके मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बॉलर की, मुस्तफिजुर रहमान 5.69 की इकोनॉमी के साथ 2 मैचेस में 3 विकेट चटका चुके हैं, प्लस इन्हें साथ मिला है तनवीर इस्लाम का, 3 विकेट इनके खाते में आए हैं 2 मैचेस में और इकोनॉमी रहती है 3.62 की। और यही बॉलिंग अटैक कोमिला विक्टोरियंस की जीत की नींव रख रहा है दोनों मैचेस में। तो दोस्तों, बॉलिंग अटैक नो डाउट विक्टोरियंस का काफी स्ट्रांग है, जिसके चलते चटोग्राम के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। और अगर बैटिंग लाइनअप अच्छा परफॉर्म करता है, तो यहां पर कोमिला विक्टोरियंस को दोस्तों रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। अब रही बात फाइनल कंक्लूजन की, तो भाई यहां पर दोस्तों कोमिला विक्टोरियंस विक्टोरियस नजर आ रही है इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में। भाई आपके हिसाब से क्या चटोग्राम चैलेंजर्स रोकेगी कोमिला विक्टोरियंस की विनिंग स्ट्रीक? भाई जवाब कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर दीजिएगा। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।